हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइबर सीरीज एपिसोड नंबर 2। माय नेम इज बिलाल लियाकत और आप देख रहे हैं द टीचर्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू क्रिएट अ प्रोफाइल ऑन अ फाइबर, और प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त कौन कौन से ऐसे बेसिक एलिमेंट्स हैं जो आपको जहन में रखने हैं, जो कि बाद में चेंज नहीं हो सकते। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स की ऑलरेडी कंप्लेंट्स भी आती हैं, कुछ चीज़ें भी आती हैं, कुछ केस स्टडीज़ भी आती हैं, तो उन्हीं केस स्टडीज़ को जहन में रखते हुए ये पूरी फाइबर सीरीज़ रिकॉर्ड की जा रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे प्रोफाइल क्रिएट करनी है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो फाइबर के ऊपर सिंपली आपने ओपन करना है fiverr.com, जैसा कि आप अभी मेरी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। fiverr.com को ओपन करें, साइन अप करें, और सिंपली जिस तरह से फेसबुक, इंस्टाग्राम या दूसरे सोशल मीडिया या किसी और वेबसाइट के ऊपर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसी तरह से आपने इस पर अकाउंट क्रिएट करना है। आपसे यूजर नेम पूछा जाएगा, आपसे फुल नेम पूछा जाएगा, ईमेल एड्रेस एंड योर मोबाइल नंबर एंड योर एड्रेस फॉर द पेमेंट पर्पसेस। तो इसके इस सारे फॉर्म और सारे साइन अप फॉर्म के अंदर जो चीज़ आपने जहन में रखनी है वो ये है कि आपका जो यूज़र नेम है, यूज़र नेम के बारे में हमें काफ़ी कंप्लेंट्स भी आई और एक दो लोगों ने आके बोला भी कि यूज़र नेम हम चेंज करना चाहते हैं, या क्योंकि यूज़र नेम एक बार जो आपने सेट कर लिया वो दोबारा चेंज नहीं हो सकता। अब यूज़र नेम लोग डिफरेंट तरह का रखते हैं, आप फाइबर के ऊपर भी देख सकते हैं, जिस तरह हमने भी जो स्टडी किया उसके अकॉर्डिंगली तीन तरह के यूज़र नेम हमारे सामने आते हैं। पहला यूज़र नेम ब्रांड नेम होता है, दूसरा यूज़र नेम कुछ लोग अपने पर्सनल नेम पर रख लेते हैं, तीसरा यूज़र नेम कुछ लोग सर्विस बेस्ड रख लेते हैं। अब मैं अगेन यहाँ पे बताना चाहूँ आपको कि यूज़र नेम एक ऐसी चीज़ है जो कि आप दोबारा कभी भी चेंज नहीं कर सकेंगे। अब सिलेक्शन में क्या करना चाहिए, कौन सा यूज़र नेम बेहतर है, सर्विस बेस्ड बेहतर है, आपका प्रोफाइल नेम बेहतर है या आपका ब्रांड नेम बेहतर है, अब प्रॉब्लम क्या है? अगर आप सर्विस बेस्ड यूज़र नेम रखते हैं, क्योंकि हमने बहुत सी, अगर आप fiverr.com ओपन करके वहाँ पे कुछ भी किसी भी सर्विस के बारे में सर्च करेंगे तो आपको मल्टीपल बायर्स नज़र आ जाएंगे, जिस तरह की एक एग्जांपल अभी मैंने स्क्रीन पे भी शो कर दिया आपको। इसमें आप देख रहे हैं कि डिफरेंट लोगों ने जो यूज़र नेम रखे हुए हैं उन्होंने अपनी सर्विस रिलेटेड रखे हुए हैं, जिस तरह से मिस्टर वर्डप्रेस, लोकल साइटेशन, SEO एक्सपर्ट, इस तरह के यूज़र नेम रख दिए जाते हैं। अब इस यूज़र नेम से प्रॉब्लम क्या होता है, शुरू में तो ठीक चल रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे फाइबर के ऊपर आप प्रमोट हो रहे होते हैं, आपके लेवल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, तो जब आप लेवल 2 होते हैं तो उसके बाद आपको फाइबर ऑलमोस्ट 20 गिग्स पब्लिश करने के लिए अलाउ कर देता है। अब 20 गिग्स में आपने डिफरेंट सर्विसेज सेल करनी है। अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका यूज़र नेम तो स्पेसिफिक सर्विस के रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल वर्डप्रेस, SEO। अब आप सेल करना चाहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो अब आप यूज़र नेम के अंडर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्व कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस कि आपका यूज़र नेम कह रहा है यू आर अ वर्डप्रेस डेवलपर एंड यू आर सेलिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्विसेज, तो टेक्निकली ये चीज़ गलत है। दूसरा जो यूज़र नेम आता है वो है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम इज़ परफेक्टली फाइन, आप अपनी कंपनी का कोई नाम चूज़ करें, आप अपना एक ज़ाती ब्रांड बनाएं और वो नाम रखें जिसके अंदर आप मल्टीपल सर्विसेज सेल कर सकते हैं। और तीसरा है पर्सनल, जो प्रोफाइल नेम है, तो आप अपने पर्सनल प्रोफाइल नेम से भी बना सकते हैं, वो भी इतना मैटर नहीं करता। तो पर्सनल अपने नाम से भी बना सकते हैं और ब्रांड नेम से भी, लेकिन सर्विस बेस्ड यूज़र नेम आप कभी मत बनाएं, क्योंकि सर्विस बेस्ड यूज़र नेम आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम कर सकता है। तो प्रोफाइल क्रिएशन के हिसाब से आपको इन तीन चीज़ों को ही जहन में रखना है जो कि सिर्फ यूज़र नेम से रिलेटेड है। इसके अलावा कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती, सिर्फ यूज़र नेम मैटर करता है जो कि बाद में कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो अपने यूज़र नेम को हमेशा से अट्रैक्टिव रखें और कोशिश करें कि वो एक ब्रांड नेम साउंड करे, ताकि फ्यूचर में जब आप प्रमोट हो जाएं, जब आप मल्टीपल सर्विसेज सेल करने लग जाएं, जब आप टॉप रेटेड सेलर बन जाएं, तो आपके पास ऑप्शन हो अपनी सर्विसेज को इन्हेंस करने का। तो इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फाइबर के ऊपर जो है वो गिग कैसे बनाई जाएगी, प्रोफाइल बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है गिग बनाना, अपनी सर्विस सेल करना, वो किस तरह से बनाई जाएगी, उसको SEO ऑप्टिमाइज्ड जो गिग है उसको कैसे लिखा जाएगा, और किस तरह की गिग होगी जो कि अट्रैक्टिव होगी और उसके ऊपर आपको ऑर्डर्स मिलेंगे और आप अर्निंग स्टार्ट कर सकेंगे। तो अगर आपको हमारी फाइबर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। See you in the next video.